नर्मदा सेवा यात्रा में सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा नहीं है, लेकिन एक बड़े अभियान के तौर पर तब्दील हो गई है। समाज का हर तबका इसमें शामिल हुआ है। हमारे साथ ब्यूरोक्रेट जो कि मध्य प्रदेश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, बीपी सिंह साहब मौजूद हैं, मुख्य सचिव हैं। सर, आप इस यात्रा से लगातार जुड़े हुए हैं, आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? नहीं, यात्रा बहुत अच्छी है। बेसिकली इसको एक जन अभियान बनाने का प्रयास है नदी संरक्षण के लिए, और नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसमें जल जंगलों से वृक्षों से आता है, और जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसका बहुत विपरीत असर नर्मदा जी पर पड़ेगा। तो एक काउंटर एक्शन करने के लिए भी कि नर्मदा जी के उद्गम से ले करके और उनके पूरे रास्ते पर एक बहुत बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया जाए और किसी तरीके की कोई गंदगी नर्मदा जी में न जाने दी जाए, इसके लिए एक अभियान चलाने के लिए, जन जागरण के लिए ये नर्मदा यात्रा है। सर, क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी आपके कंधों पर है, आपको कितना बड़े आप इसको जिम्मेदारी समझते हैं, कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक डिमांड पैदा कर देना, उसके बाद उस डिमांड की पूर्ति नहीं करना, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। तो एक हम डिमांड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबके मन में एक चाह जगे कि पेड़ लगें। अब हम कहें कि पेड़ लगाओ, उसके बाद हम पौधे की व्यवस्था नहीं करें, तो ये तो गुनाह जैसा होगा। तो अगर वृक्ष लगने हैं तो वृक्ष लगने के लिए पौधों की व्यवस्था करना, उनके रख रखाव का मैकेनिज्म तैयार करना और इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना, ये मेजर दायित्व है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई गंदगी नहीं जाए, तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे रास्ते लगाए जा रहे हैं, उसके लिए धन की व्यवस्था हो गई है, वो समय से लग जाएं और जो उनके उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो, और एक्चुअली नर्मदा जी में एक बूंद मल जल ना जाए, ये इंश्योर करें। इसके लिए हमने एक नर्मदा सेवा मिशन बनाया जिसकी आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, तो वो फॉलो अप करेगा इसका 3 साल तक। सर, एक सवाल जरूर पैदा होता है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स में उदासीनता आ जाती है, तो वो लगातार इस कार्य के प्रति उत्साहित रहें, लगातार इसको मिशन के तौर पर लें, इसके लिए आप क्या विशेष कुछ प्रयास करेंगे? पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश ने जो विकास किया है 12-13 सालों में, ये ब्यूरोक्रेट्स में उदासीनता आ जाती तो कभी नहीं होता। ये पूरे मध्य प्रदेश के सारे राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी, जनता, इन सब के समन्वित प्रयास का फल है जो मध्य प्रदेश ने पिछले 10-11-12 सालों में इतनी तेज प्रगति की। ब्यूरोक्रेट्स में उदासीनता नहीं आती भाई। बिल्कुल सर, एक आपका अगर निजी अनुभव साझा करना चाहें, आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं, कितना उत्साह आपने देखा और आपको कितनी ऊर्जा उससे मिल रही है? नहीं, बहुत उत्साह देखा। इनफैक्ट जो आप कोई काम करने का प्रयास करो और उसका इमीडिएट रिजल्ट आपको दिखाई दे, हम लोग तो एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो जिसके बीज पहले से मौजूद थे। गांव-गांव में नर्मदा जी के किनारे लोग नर्मदा जी के गीत गाते हैं। आज भी इम्प्रॉम्प्टू 2 मिनट के लिए कैबिनेट गई थी क्रूज पर, बट वहाँ पे भी एक स्थानीय दल आ गया और उन्होंने इतने अद्भुत भजन सुनाए नर्मदा जी के कि मन प्रसन्न हो गया। वो एक गाना गाने वाले थे, उनको किसी ने छोड़ा ही नहीं, वो आधा घंटा गाते रहे। कहीं ना कहीं बेहद उत्साहित यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्य सचिव बीपी सिंह साहब भी नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर कहना है कि एक अभियान बन चुका है, उदासीनता कोई सवाल नहीं है, और अब यह मिशन एक बड़े अभियान के तौर पर शामिल हो चुका है। कैमरामैन आशु खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, खंडवा।